वेलकम फ्रेंड, हिंदी टेक हेल्प फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो आप बिना किसी सीडी ड्राइव के बूटेबल पेन ड्राइव की अपने लैपटॉप को घर बैठे आसानी से रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो पीसी है वो वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे आपको आपने परचेस किया था। तो अब बहुत ही आसान तरीका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर बैठे कर सकते हैं, किसी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में जाना है, चाहे आपका विंडो 10 हो या विंडो 8 हो, सर्च बॉक्स में आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है रिकवरी। जैसे ही आप रिकवरी टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे ओपन करने के लिए आएगा, आप इसे यहाँ से ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट रिकवरी ड्राइव, फर्स्ट ओपन सिस्टम रिस्टोर, और तीसरा कॉन्फिगर सिस्टम रिस्टोर, और चौथा है इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विथ पीसी और गो टू सेटिंग एंड रीसेटिंग इट। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए रिकवरी का ये सब खोल के आ गया, रीसेट द पीसी और साथ में एडवांस स्टार्टअप। यहाँ से भी आप इसे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आप अपने पीसी से ही कर ले, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, चूज एन ऑप्शन, कीप माई फाइल, रिमूव एवरीथिंग। तो अगर आपको अपनी फाइल्स वगैरह बचानी है तो आप कीप माई फाइल करें, और अगर आपकी खास ज़रूरत नहीं है तो आप रिमूव एवरीथिंग करें। तो जो भी ये फाइल है वो आपके विंडोज़ सी जो आपका ड्राइव है उसी से होगा, बाकी ड्राइव को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आगे चुनने के लिए आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी ड्राइव को चुनना है। तो मैं यहाँ पे मुझे सी ड्राइव बस करना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर एक प्रोसेस चलती है, तो उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जस्ट रिमूव योर फाइल, दिस इज क्विकर बट द सिक्योर, रिमूव ऑल फाइल ओनली ड्राइव विंडोज इंस्टॉल। तो जहाँ पे विंडोज इंस्टॉल्ड है वहीं पे आपको करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ से, और ये आपका प्रोसेस चालू हो गया है। इसके बाद जो है आपको एक दो प्रोसेस और करना है, इसके बाद जो है आपका पीसी अपने आप सेटिंग रीसेटिंग मोड पे आ जाएगा, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। इस पर काफ़ी वक्त लगता है, लगभग दो चार घंटे भी लग सकते हैं, तो इसको आप लगा के टोटली छोड़ दें। देखिए यहाँ पे आ गया रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल एंड अकाउंट दिस पीसी, आपको यहाँ से रीसेट पर क्लिक करना है, और रीसेट पर करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू रीसेट स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग टू रीसेट पीसी, इट विल रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली 1%। अब यहाँ पे परसेंट दिखा रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है इस प्रोसेस में, यहाँ पे देखिए 1%, और ऐसे ये अभी प्रिपेयरिंग मोड पे जा रहा है रीसेट करने के लिए, अभी रीसेट नहीं हो रहा है, आपसे एक बार और परमिशन मांगेगा, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिपेयरिंग टू रिसेट दिस पीसी, इट विल रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे एक परसेंटेज चल रहा है, 23% हो गया है, और ये परसेंट जब 100% हो जाएगा तो आपका पीसी खुद ब खुद रिस्टार्ट होकर रिसेट होना चालू हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, और इसके बाद आपका पीसी रिस्टार्ट मोड में चला जाएगा, और रिस्टार्ट होने रिसेट करने के बाद आपको पूरा आपका वही पीसी आपको मिल जाएगा जो आपने परचेस किया था। तो ये आप कर सकते हैं घर बैठे आराम से, किसी को आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे विंडोज़ फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ये करके देखिए, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।